जो केसेस हैं शेल कंपनीज के, नाम और एग्जांपल के साथ प्रूव्ड है, उसमें कुछ प्रूव करना नहीं है। अगर आप रिपोर्ट को पूरी तरह पढ़े तो वो वहीं प्रूव हो जाता है, वहीं प्रूव हो जाता है। और इसीलिए 88 सवालों में एक सवाल का जवाब नहीं आया है, वरना एक एक करके पॉइंट वाइज सवाल का जवाब दिया जा सकता था, दिया जाता, दिया जाना चाहिए था, पर नहीं दिया गया। लेकिन जब रिपोर्ट को ही खारिज कर दी जानी है तो मैं बात उसी से करता हूं। अगर रिपोर्ट खारिज कर दी गई और रिपोर्ट में कोई दम नहीं है, साजिश है, जैसा कहा जा रहा है कि साजिश है सरकार के खिलाफ और देश के खिलाफ, अगर वही है तो साजिश से देश को बचाना किसका काम था? शेयर मार्केट को साजिश से बचाना किसका काम था? पूंजी निवेशकों को साजिश से बचाना किसका काम था? और सब में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? जो प्रधानमंत्री का सबसे करीबी कहा जाता है, माना जाता है, जाना जाता है। तो बात तो यही हुई ना कि एक साजिश हुई जिससे सबसे ज्यादा नुकसान देश को नहीं हुआ अगर, तो प्रधानमंत्री के सबसे करीबी को हुआ और सरकार उसको बचा नहीं पाई। और अभी तक साजिशकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सच कहिए तो ये पता लगाने की कोशिश नहीं हो रही है कि ये सब किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, कैसे हो गया। तो बात तो ऐसे देखिए, बात अगर आपको देखना है, डिफेंड करने के लिए किसी को भी डिफेंड किया जा सकता है। एक हत्यारे को डिफेंड किया जा सकता है, लोग बचा लेते हैं उसको, कई हत्यारे बचे हैं। तमाम मामलों में हत्या हो गई, हत्यारे छूट जा रहे हैं, बलात्कार हुआ, बलात्कार ही छूट गए। तो हम डिफेंड तो किसी को भी करना कर सकते हैं अगर हमने तय कर लिया। संजय जी, एक सवाल बस मैं आपसे और करूंगी, इसके बाद में मिस्टर आजाद के पास जाना चाहती हूं कि संजय जी, ये क्या एक फाइनेंशियल क्राइम नहीं है? क्योंकि आज जब फाइनेंशियल क्राइम जैसा शब्द हम इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर जांच होनी चाहिए, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आनी चाहिए। अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया है। फाइनेंशियल क्राइम तो उसको हम बोलना ही नहीं चाह रहे हैं, उल्टा जो बीजेपी की तरफ के लोग ये कह रहे हैं कि देखिए आपने कॉर्पोरेट हाउस को विक्टिमाइज किया है। मैं सुबह से 2-3 डिस्कशन आज कर रही थी, उसमें मुझे ये सुनाई पड़ा कि विक्टिमाइजेशन है ये एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस का। So does it look like that, or is it's an outright financial crime? बिल्कुल क्राइम है। Artificially शेयर मार्केट में शेयर प्राइसेस बढ़ाना और फिर इन्वेस्टर्स को इनवाइट करना आर्टिफिशियल क्राइम ही है। लेकिन शेयर मार्केट ऐसे ही चलता है, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि शेयर मार्केट में लोग पैसा कमाने आते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है, जो कोई सिर्फ पैसा है, जिसके पास कोई बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, सिर्फ जोखिम से पैसा कमाते हैं लोग, और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया कि बढ़ जाएगा, जब बढ़ने लगता है खुश रहते हैं, जैसे गिरने लगता है बेच देते हैं, बेच के बाहर आ जाते हैं। तो बहुत आराम से लोग पैसा कमाने के लिए शेयर मार्केट में आते हैं। शेयर मार्केट से लोगों को कुछ उम्मीद नहीं है, सिर्फ वो अपना पैसा कमाना चाहते हैं और उसके लिए पूरी सेफ्टी बरतते हैं। तो ऐसे मार्केट में आर्टिफिशियली पैसा शेयर के प्राइसेस बढ़ाना बिल्कुल क्राइम है और इन्वेस्टर्स के साथ धोखा है। तो अगर ऐसा होगा तो इन्वेस्टर आएगा ही नहीं, उसी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए वापस लिया गया है। Okay. जो आज वापस लिया गया है वो क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए, मार्केट की क्रेडिबिलिटी बचा के रखनी है, नहीं तो बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। मैं तो बिल्कुल नहीं करता और इसीलिए नहीं करता हूँ।